सुनने में आता है कि यार फिर कई बार हम खुद ही अपना फोन कहीं रखकर भूल जाते हैं या फिर वो कहीं से चोरी कर लिया जाता है और इसके बाद अपने फोन को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अरे मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में बताई गई एप्लीकेशन की हेल्प से आपका फोन खुद ही आपको उसकी लोकेशन और फोन चुराने वाले की फोटो सेंड कर देगा। इसी के साथ आप कई सारी पेड एप्लीकेशन या फिर गेम्स को फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। अब ये होगा कैसे, इसके लिए आपको इस वीडियो की एंड तक बने रहना पड़ेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होगा क्रूक कैचर से। दोस्तों आपने इस तरह की एप्लीकेशन तो कई सारी देख रखी होंगी। जब भी कोई हमारी परमिशन के बिना हमारे फोन का पैटर्न लॉक ओपन करने की कोशिश करने में गलत पैटर्न या पिन डालता है तो वो एप्लीकेशन चुपके से उन्हीं लोगों की पिक्चर क्लिक कर लेती। इट मींस कि बाय चांस अगर हमारा फोन कहीं चोरी हो जाता है या गिर जाता है और जिस किसी भी पर्सन को ये फोन मिलेगा वो अगर इसमें गलत पैटर्न या पिन इंसर्ट करेगा तो उसका फोटो और उसकी लोकेशन आपके ईमेल पर चली जाएगी, जिससे कि आप उसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए इस एप्लीकेशन को अपने फोन की एडमिन की परमिशन देनी होगी। सो इसे ओपन करके इसे एडमिन परमिशन देने के बाद अपने लिए कोई सा लॉक सेटअप आप कर लीजिए जिसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी इंक्लूड रहे। बट देखा जाए तो हर किसी एप्लीकेशन को एडमिन कंट्रोल देना सही भी नहीं होता। खैर ये तो एक ट्रस्टेड ऐप है, बट फिर भी इसमें आपको स्टोरेज, कैमरा, गैलरी सभी की परमिशन देना ही पड़ेगी। लेकिन हमारा फोन भी तो इससे सेफ रहेगा। बट मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे फोन का डेटा ऑफ है तो वो हमारे फोन पर उसकी इमेज और फोटो और लोकेशन को कैसे सेंड करे, ये सोचने वाली बात। नंबर 6, एप्स फ्री। दोस्तों जिस तरह हमें प्ले स्टोर पर कई सारी अलग अलग फ्री एप्लीकेशन देखने को मिलती जो कि ऑलमोस्ट फ्री ही होती है, तो उसमें कई सारी अलग अलग एप्लीकेशन ऐसी भी होती है जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ प्रीमियम तो पे करनी ही पड़ती और उन्हें परचेज करना पड़ता है। बट किसी न किसी टाइम पर वे एप्लीकेशन भी कुछ टाइम के लिए प्ले स्टोर पे फ्री में इंस्टॉल करने को मिल जाती, बट उस टाइम पर हमें उस एप्लीकेशन की कोई खबर या नोटिफिकेशन ही नहीं होती। सो ये एप्लीकेशन इसी तरह की पेड एप्लीकेशन को मॉनिटर करती है और हमें हमेशा अपडेट रखती कि कौन सी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में फ्री हो चुकी और उनकी नोटिफिकेशन भी हमें दे देती। सो इसे ओपन करते ही यहाँ पर आपको कई सारी एप्लीकेशन पेड एप्लीकेशन की लिस्ट देखने को मिल जाएगी जो कि फ्री है। इसी के साथ इस नोटिफिकेशन पैनल में जाकर आप जिस भी किसी कैटेगरी में पेड एप्लीकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ राइट में दिख रहे ऑप्शन की हेल्प से आप इसमें कई सारे अलग अलग फिल्टर्स भी लगा सकते हैं जिससे हैंड टू हैंड उस एप्लीकेशन या फिर गेम को फ्री में एंजॉय किया जा सके। सो देखा जाए तो ये एप्लीकेशन आपके कई सारे पैसे बचा सकती। सो अगर आप भी पेड एप्लीकेशन या फिर गेम्स को फ्री में एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। हमारा अगला एप्लीकेशन है Zfon। सो इसके तो नाम से ही पता चलता है कि ये एक फोन एप्लीकेशन है जिसमें आपको कई सारे अलग अलग फॉन्ट्स देखने को मिल जाए, जिससे आप अपने किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अलग अलग डिजाइन के वर्ड्स के साथ बर्थडे या फिर किसी की एनिवर्सरी विश कर सकते हैं। इससे फोन का जो लुक है वो भी काफी हद तक चेंज हो जाता है और जो कि देखने में काफी कूल सा लगता है। साथ ही इससे सिर्फ टाइप किए फॉन्ट ही चेंज नहीं होते बल्कि इससे पूरे के पूरे फोन के अल्फाबेट भी चेंज हो जाते हैं, इवन उनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। सो इसे डाउनलोड करने के पहले इसे कुछ नेसेसरी परमिशन प्रोवाइड करनी होगी एंड देन इसके बाद जैसे ही यहाँ हमें कई सारे अलग अलग फॉन्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसके किसी भी एक फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद यहाँ इन फॉन्ट्स को ट्राई करके हम देखेंगे, अगर अच्छे लगे तो यहाँ से इन्हें अप्लाई कर देंगे और इसके बाद की प्रोसेस हर एक फोन में डिफरेंट। जैसे वीवो के फोन में प्रोसेस अलग होती है, रेडमी में, रियलमी में थोड़ी अलग है और वन प्लस में तो इसकी परमिशन भी नहीं दी हुई है। खैर फोन चेंज तो उसमें भी हो जाएंगे। सो चाहे तो आप इसे ट्राई करके जरूर देख सकते हैं क्योंकि इसके बाद आपको अपने फोन का लुक कुछ इस तरह का शो होगा। नंबर 4, बेटा फिश लाइव वॉलपेपर। दोस्तों बेसिकली ये एक तरह की लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन है जिससे कि आप अपने फोन के लुक को और भी ज्यादा शानदार और यूनिक दे सकते हैं। जी हाँ, इस एप्लीकेशन का प्लस पॉइंट ये है कि इस एप्लीकेशन में वो जो वॉलपेपर देखने को मिलेंगे वो काफी गजब के होंगे, बट इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉलपेपर। जी हाँ, बट ये सिंगल वॉलपेपर इतना शानदार है कि किसी भी दूसरे वॉलपेपर को ट्राई करने का मन भी नहीं करेगा और अगर आपकी स्क्रीन एमोलेड है तो ये वॉलपेपर और भी ज्यादा हाईलाइट होगा। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी है, इसमें फिश चेंज करना, फिश के कलर चेंज करने के ऑप्शंस तो दिए हैं लेकिन वे सारे ही ऑप्शन डिसेबल हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज पर तो उनका कोई यूज ही नहीं। और पता है इन सब के बावजूद भी सिंगल वॉलपेपर वाली एप्लीकेशन के जो डाउनलोड है वो 1 मिलियन प्लस। बट कुछ भी हो, एक ना एक दिन तो आप इसे छोड़कर दूसरे वॉलपेपर पर स्विच कर ही जाएं, बट आप चाहें तो इसे ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। नंबर 3, एज स्क्रीन। बेसिकली दोस्तों इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने फोन में कई सारे अलग अलग शॉर्टकट का एक्सेस पा सकते या फिर कहें क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू आपकी स्क्रीन पर ही साइड में एक पैनल आ जाएगा जिससे होगा ये कि आपकी स्क्रीन के साइड में एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट, क्विक सेटिंग्स जैसे कई सारे अलग अलग पैनल आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने हिसाब से ऐड और रिमूव कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे राइट साइड स्वाइप करके इन्हें यूज कर सकते हैं। खैर इस एप्लीकेशन के डाउनलोड भी 1 मिलियन प्लस है और इसकी रेटिंग भी 4.1 है। और इसकी बात करूँ ये एप्लीकेशन
एप्लीकेशन कुछ लोगों को अच्छी लगी तो कुछ को नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्मली हमें वो शॉर्टकट पैनल देखने को मिलते हैं जिन्हें हम अपने नोटिफिकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इसे ट्राई करना है या नहीं ये आपके ऊपर। ब्यूगो दोस्तों, इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपनी किसी भी सिंपल सी क्लिक की गई फोटोज में कुछ इस तरह के शानदार से इफेक्ट ऐड करके अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं और उन फोटोज को सिंपल से यूनिक बना सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर इन सभी वीडियोस में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है और इसमें आपको बर्थडे वॉलपेपर, मैजिक क्लोजेस जैसी कई सारी अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको किसी को भी सिलेक्ट कर लेने के बाद मेक पर क्लिक करना है एंड देन अपनी पिक्चर को यहाँ से ऐड कर लेना एंड देन ओके पर क्लिक करना है और फिर क्या, बन गई हमारी सिंपल सी इमेज एक अमेजिंग सी वीडियो में। जी हाँ, बट इसका जो ये लोगो बना हुआ है वो रिमूव नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फी पे करनी पड़ेगी जो कि है 2200, और वो भी कोई लाइफ टाइम नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने का चार्ज। तो वैसे भी लोगो इतना छोटा है कि कुछ पता नहीं था। नंबर 1, यसान लॉन्चर। बेसिकली ये एक सिर्फ और सिर्फ 2.78 MB का एक लॉन्चर है और ये लॉन्चर स्पेशली उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों के फोन की स्क्रीन है वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन से भरी हुई है, जिससे कि जो फोन है उसे यूज कर पाना बड़ा भी अच्छा लगता है। ऐसे में शानदार से मिनिमलिस्ट लॉन्चर को आप यूज कर सकते और आप इसे यूज करेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल मिनिमल सा एक क्यूब देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपकी काम की कुछ एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां लेफ्ट साइड के ऑप्शन से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां से किसी भी एप्लीकेशन को सर्च किया जा सकता है और राइट साइड में ऐप ड्रॉवर दिया हुआ है जहां से सभी एप्लीकेशन की एक्सेस भी मिल जाएंगी और इसके सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर वॉलपेपर चेंज किया जा सकता है। एप्लीकेशन हाइड करना, जेस्चर यूज करने जैसे कई सारे ऑप्शंस को आप इस लॉन्चर के थ्रू एक्सेस कर सकते, बट ऑनेस्टली मुझे लॉन्चर कुछ खास लगा नहीं। हाँ, बाकी लॉन्चर के कंपैरिजन में इसका पर्पस सही, जो कि मोबाइल में फैलने वाले मिसमैनेजमेंट को काफी हद तक कम कर देता है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 एप्लीकेशन जो कि आपके काम को शॉर्ट वे में इंप्रूवमेंट के साथ कर सकती है और आपके फोन को और भी ज्यादा बेटर लुक दे सकती है। साथ ही ये रहे वो सारे कमेंट और उन यूजर्स के नाम जिन्होंने हमारे लास्ट वीडियो में शाउट आउट कमेंट किए। और अब बारी आती है आज के हमारे शाउट आउट। तो आज का शाउट आउट कमेंट है वो अपना गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हैं या फिर अचीव कर चुके हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम इंक्लूड कर पाऊं। बट फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अमेजिंग सी एप्लीकेशन वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल के साथ क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।